कोरोना महामारी के दौर में रोहतक की सामाजिक संस्था द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और अन्य ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। संस्था द्वारा निःशुल्क मास्क और महिलाओं को सैनिटरी पैड का भी वितरण किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक जगदीप जुगनू ने बताया कि निःशुल्क वितरित किए जा रहे मास्क इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली बच्चियों द्वारा ही बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। पिछली बार जब हम राशन बांट रहे थे मजदूर फैमिलियों में, तो महिलाओं की एक रिक्वायरमेंट आई कि उनके पास और चीजें तो मिल जाती है लेकिन सैनिटरी पैड नहीं मिलते। तो इसके हमने डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिए, 2000 पैड हमने उस दौर में बांटे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको लगातार, क्योंकि एक जरूरत है हाइजीन महिलाओं की, तो हमने लगातार इसको 400 से 500 के आसपास हर महीने बांटते हैं। इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश वर्ण, डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा, संतोष गुप्ता जी, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं। अभी 3 जगह तो हम बच्चे जहाँ पढ़ाते हैं, अभिनव मतलब पथ सोसाइटी के जो ग्रुप लगते हैं अभिनव टोली के नाम से, जसवीर कॉलोनी, कबीर कॉलोनी, किशनपुरा और विशाल नगर में बांटते हैं, और जींद बाईपास के आसपास कई सारी झुग्गियां हैं वहाँ पे प्रवासी मजदूरों की, तो वहाँ भी बांट के आते हैं जाके। प्रवासी गरीब बच्चे हैं असल में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन लगातार जब हम 2015 से इस कार्य को कर रहे हैं तो आम जो परिवार है जो ठीक ठाक से अपना गुजारा कर रहे हैं उस फैमिली के बच्चे भी अब यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों को उनके अनुसार सिखाया जाता है। हम बच्चों को समझते हैं, ना कि बच्चे हमें समझ पाएं।